सब्सक्राइब करें हमारे आईटी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले अपने इनबॉक्स में पाने के लिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईटी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। RSCIT का ई सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद, उसे SSO ID से डाउनलोड करने के बाद, हमें उसका जो ई साइन है वो वेरीफाई करना होता है, तो उसे हम अडोब रीडर की सहायता से करेंगे। तो अभी मेरे पास वो सर्टिफिकेट है और मैं इसको अडोब रीडर में ओपन कर लेता हूँ। तो सर्टिफिकेट ये ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे वाले पोर्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है अभी डिजिटल साइन का, ये अनवेरीफाइड है, तो हमें इसे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, शो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, और फिर साइनर इसमें आना है। इसमें आने के बाद शो सर्टिफिकेट डिटेल इसमें आना है, और इस ऑप्शन में आने के बाद आपको आना है ट्रस्टेड में। इन ऑप्शंस का ध्यान रखें, आपको धीरे धीरे इनको फॉलो करना है। ट्रस्टेड में आने के बाद आपको आना है ऐड टू ट्रस्टेड आइडेंटिटीज और ओके करना है, और ओके करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और इन तीनों पे क्लिक करना है। देन आपको ओके प्रेस कर देना है, देन ओके एंड वैलिडेट सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ई साइन है अभी क्वेश्चन मार्क से ग्रीन कलर के टिक में कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये जो साइन है वो वेरीफाई हो गया है। तो आप इसको दोबारा से भी ओपन करके देख सकते हैं। ये ई साइन है जो वो अभी पूरी तरीके से वैलिडेट हो चुका है। तो अब आप इसे प्रिंट करके स्टूडेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये अभी Adobe Reader 11 है वर्जन इसका, सॉरी 9 है वर्जन। अगर किसी अपडेटेड वर्जन में ये नहीं होता, वैसे तो हो जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर भी आप इस वर्जन को यूज़ करते हैं Adobe Reader 9 का। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।